भारी बारिश ने बिगाड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था। हैलेट उर्सुला अस्पताल के कमरों में भरा पानी, जल भराव से मरीजों व तीमारदारों की बड़ी मुश्किलें। हैलेट अस्पताल में आईसीयू के बाहर तक जल भराव। नमस्कार, मैं सोनिया सैनी और आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। कानपुर जो एक महानगर है, कहने को तो स्मार्ट सिटी है, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाएं देखेंगे तो आपको भी गुस्सा आ जाएगा। कानपुर शहर में बीजेपी के सांसद, 7 बीजेपी के विधायक, इतना ही नहीं कानपुर मेयर भी बीजेपी के होने के बाद भी हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अगर स्मार्ट सिटी के हाल ऐसे होते हैं जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, तो बाकी नॉर्मल सिटी के कैसे होंगे, आप खुद सोच सकते हैं। दरअसल कानपुर में 2 घंटे की मूसलाधार बारिश ने कानपुर नगर निगम और योगी सरकार के दावों की पोल खोल दी। शहर की सड़कें तो पानी में डूबी ही, इसके साथ ही अस्पताल में तालाब जैसी स्थिति देखने को मिली। आप स्क्रीन पर 2 तस्वीर देख सकते हैं, एक तस्वीर हैलेट की तो दूसरी तस्वीर उर्सुला अस्पताल की है, जहां लबालब पानी भरा हुआ है। मरीज और तीमारदार परेशान हो रहे हैं, लेकिन कोई इस मामले की सुध लेने वाला नहीं है। हाल ही में यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश कुमार पाठक ने सरकारी अस्पताल का दौरा किया और साफ निर्देश दिए कि किसी को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है वो आप खुद देख सकते हैं। मरीज परेशान है, पानी टपक रहा है, कोई सुनने वाला नहीं, ना ही कानपुर के विधायक दिख रहे हैं और ना ही सांसद और मेयर। इतना तो ठीक, अब एक और पते की बात आपको बताते हैं। ग्वाल टोली, जहां ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबको दंग कर दिया। जी हां, सही सुना आपने, बारिश के बाद सबसे ज्यादा खराब हालात ग्वाल टोली इलाके में देखने को मिले, जहां दर्जनों कारें पानी में तैरती हुई दिखाई दी। ग्वाल टोली इलाके से गुजरने वाला नाला हालिया बारिश से ओवरफ्लो हो गया, जिससे सड़कों पर सारा पानी आ गया। कई लोगों को घरों की छतों पर जाने को मजबूर होना पड़ा। हैरानी की बात यह है कि कुछ दिन पहले ही नगर निगम से ड्रोन कैमरे से नाले की सफाई की मॉनिटरिंग करवाई थी। इसके बाद भी बारिश से ऐसे हालात शहर के हो गए हैं कि आप खुद सोचिए कानपुर की क्या हालत है। योगी सरकार तो लाखों दावे करती है कि स्वास्थ्य विभाग एकदम चकाचक है, लेकिन थोड़ी देर की बारिश ने ही सारे दावों की पोल खोल दी है। इतना ही नहीं, 80 फीट रोड में एक बार फिर सड़क धस गई है। पिछले साल भी इस रोड का बड़ा हिस्सा बारिश में धस गया था। नवीन मार्केट में जल भराव हो गया। बारिश के चलते सर्वोदय नगर, विजय नगर, गल्ला मंडी, शास्त्री नगर, आरटीओ रोड, पांडु नगर, गोविंद नगर मार्केट, जूही खलवा पुल, किदवई नगर, जेके मंदिर रोड, मरियमपुर रोड पर भीषण जल भराव हो गया। लोगों को आने जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब ऐसे में कानपुर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, 2 शब्द कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ कबीर न्यूज़ पर।